प्रदूषण की करते हैं जिसने दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रखा है। दिल्ली में अभी भी खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। कई हिस्सों में AQI अभी भी 450 के पार है। साथ ही एनसीआर में भी प्रदूषण की मार पड़ी है। गुरुग्राम में AQI 368 तो नोएडा में 382 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में है। हालांकि दिल्ली में 9 तारीख को बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर कल बारिश होती है उससे हालात सुधरेंगे, क्योंकि स्मॉग की वजह से अभी विजिबिलिटी काफी कम है। लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 9 तारीख को हल्की बारिश और हवाएं चलने की वजह से ऐसा हो सकता है कि प्रदूषण में थोड़ी कमी आए, तो ये उम्मीद जरूर है। लेकिन अगर आज की बात करें तो अभी भी बेहद खराब स्थिति में दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, कश्मीरी गेट, करोल बाग, कालिंदी कुंज, आश्रम और आनंद विहार की धुंध की मोटी परत आप देख सकते हैं। विजिबिलिटी बेहद कम और सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की हवा खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। एनसीआर की बात करें तो वहां भी 400 से ज्यादा AQI दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में इस वक्त हम मौजूद है और यहां पे कल रात जो AQI PM10 रहा वो 999, वहीं PM2.5 की बात करें तो 500 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। लिहाजा आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त लोग सड़कों पे हेडलाइट जला के चल रहे हैं। ये सुबह का वक्त है, ऐसे में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है धुंध के वजह से, और ये प्रदूषण की धुंध है जिसके वजह से लोग अब काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। सड़कों की आप तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा AQI खराब रहता है वो है आनंद विहार में। आप देखिए कि यहाँ पे लगातार पानी का भी छिड़काव किया जाता है ताकि जो प्रदूषण का स्तर है वो नीचे आए। प्रयास भी बहुत सारे किए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार के निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरह से यहाँ पर ग्राफ 4 भी लागू है। वहीं अगर बात करें 13 तारीख से ऑड इवन फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में दिवाली के बाद किस तरह की तस्वीरें दिल्ली NCR में देखने को मिलती है।